Rahman Rahim. Assalamualaikum viewers. My name is Samna Krujhan and you are watching Rukhsi's Cuisine. Rukhsi's Cuisine में हम लोग आज आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही मजेदार और टेस्टी डिश। इस डिश का नाम है मटन शिनवारी कढ़ाई। मटन शिनवारी कढ़ाई केपीके की बहुत ही मजेदार और मशहूर डिश है। इस डिश की रेसिपी सीखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जरूर पहुंच जाए। सो लेट्स गो टू माय मामा किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम फरहीन एंड यू आर वॉचिंग रुक्सीज़ कुज़ीन। आज हम रुक्सीज़ कुज़ीन में जो डिश लेकर आए हैं वो बहुत ही फेमस कढ़ाई है जो कि शिनवारी मटन कढ़ाई के नाम से जानी जाती है। इसका जायका तमाम कढ़ाइयों से बिल्कुल हट कर होता है। इसकी खास बात यह है कि ये दुम्बे के गोश्त में ही तैयार की जाती है जो इसकी असल पहचान है। इसमें लैम्प फैट ऑयल यानी दुम्बे की चर्बी का ऑयल या इसकी चर्बी को यूज किया जाता है। दुम्बे की चर्बी चर्सी कढ़ाई और शिनवारी कढ़ाई की स्पेशलिटी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम लैम्प ऑयल तैयार करेंगे। इसके लिए हम लेंगे घी आधे कप के बराबर, लैम्प फैट या दुम्बे की चर्बी दो बड़े टुकड़े ले लें। आप चाहें तो इसको छोटा छोटा काट लें लेकिन मैं यहाँ बड़े पीस ही यूज कर रही हूँ। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें आधे कप के बराबर घी ऐड कर लेंगे, फिर इसमें लैम्प फैट को भी शामिल कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो कंप्लीट फ्राइंग के बाद इसकी बहुत ही मजे की खुशबू आएगी। इसी वक्त आपने इसमें डेढ़ ग्लास के बराबर पानी ऐड कर लेना है। जैसे ही आप इसमें पानी ऐड करेंगे इसमें से बबल्स उठेंगे। आपने इसको ढक्कन के साथ कवर कर देना है। इस अमल में लैम्प फैट की चर्बी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और लैम्प ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। मैं यहाँ पर इसके अंदर जितना वाटर है उसको ड्राई करूँगी। आप देख सकते हैं इसमें बेशुमार बबल्स निकल रहे हैं और साथ ही पटाखे भी बजना शुरू हो गए हैं। आपको इसके पटाखों की आवाज भी आएगी। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर घी की क्वांटिटी काफी हद तक बढ़ चुकी है। लैम्प फैट ऑयल रेडी हो चुका है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। अब हम बाकी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। इसमें हम लैम्प ऑयल एक कप के बराबर विद लैम्प फैट लेंगे। प्याज एक बड़े साइज का लेकर इसको बिल्कुल इसी तरह कट कर लेंगे। अदरक पेस्ट एक खाने का चम्मच, लहसुन पेस्ट एक खाने का चम्मच, काली मिर्च एक चाय का चम्मच, हल्दी क्वार्टर चाय का चम्मच, नमक एक चाय का चम्मच, टमाटर 6 अदद लेकर इनको दरमियान से कट कर लें। लैम मीट यानी दुम्बे का गोश्त 1 केजी और इसकी गार्निशिंग में जाएगा हरा धनिया 2 खाने के चम्मच के बराबर, हरी मिर्च 2 अदद लेकर इसको बारीक लंबाई में कट कर लें, रोस्टेड सफेद जीरा 1 चाय का चम्मच, अदरक 2 इंच का टुकड़ा लेकर इसकी भी बारीक लंबाई में काशे कट कर लें। अब हम कढ़ाई में घी विद लैम्प ऑयल को ऐड कर लेंगे और इसमें प्याज शामिल कर लेंगे। हम प्याजों को फ्राई करेंगे। प्याज इतना ही फ्राई करें कि इसका हल्का गुलाबी रंग निकल आए। अब आप ग्राइंडर जार में तमाम फ्राई किए हुए प्याजों को निकाल लें और उनको ग्राइंड कर लें। प्याजों का पेस्ट कुछ इस तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसी ऑयल में लहसुन पेस्ट और अदरक पेस्ट को ऐड कर लें और इसको भून लें। जब लहसुन अदरक पेस्ट भून जाए तो इसमें दुम्बे का गोश्त ऐड कर लें। आप देख सकते हैं इसमें लैम्प फैट भी मौजूद है। ये खाने के साथ ऐसे ही पकता रहेगा और साथ साथ ऑयल भी छोड़ता रहेगा। अब हम मीट में अनियन यानी प्याजों की पेस्ट को शामिल करेंगे और अच्छे तरीके से भून लेंगे। पंद्रह मिनट भूनने के बाद इस
इसमें 2 ग्लास पानी शामिल कर लें और ढक्कन दे दें। शिनवारी कढ़ाई की मीट को गलाने के लिए 35 से 40 मिनट्स लगेंगे। आप देख सकते हैं कि गोश्त तकरीबन गल चुका है। इसका पानी बिल्कुल ड्राई करके इसको अच्छे से भून लें। गोश्त मुकम्मल तौर पर भून लिया है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें कि गोश्त गला हुआ हो मगर इसमें कुछ सख्ती मौजूद हो। फिर इसमें टमाटर को ऐड कर लें। इसके बाद इसमें हल्दी शामिल कर लें और साथ ही नमक को भी ऐड कर लें। इसको अच्छे से मिक्स करें। टमाटर को गलने के लिए और गोश्त में जो कसर रह गई है उसके लिए 1 कप पानी और ऐड कर लें और ढक्कन दे दें। 15 से 20 मिनट के बाद ढक्कन उतार दें और टमाटर से छिलका उतार दें। अब यहाँ टमाटर के ऊपर से तमाम छिलका उतार दिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और टमाटरों को चमचे की मदद से बारीक पेस्ट कढ़ाई के अंदर ही बना लेंगे। फिर इसको भून लेंगे। अब हम इसमें काली मिर्च को ऐड करेंगे और मिक्स कर लेंगे। 7 मिनट तक इसको भूनेंगे और इसके बाद इसमें रोस्टेड जीरे को ऐड कर लेंगे और साथ ही हरी मिर्च, अदरक की काशे ऐड कर लेंगे और फिर हरा धनिया भी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नीचे शिनवारी मटन कढ़ाई बिल्कुल तैयार है। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और बाकी बची हुई गार्निशिंग में अदरक की काशे, हरी मिर्च और धनिया को भी इसके ऊपर स्प्रेड कर लेंगे। आप इसे अपने घर में एक बार जरूर बनाएं। मुझे यकीन है कि फिर आप किसी होटल का रुख शिनवारी कढ़ाई खाने के लिए नहीं करेंगे। और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे नई डिश, नए जायके, नई रेसिपी के साथ, बहुत सी दुआओं के साथ। अल्लाह हम सबको अपनी अमान में रखे। शिनवारी कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही मजे की है। आई होप आप इसको जरूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा। हमें इसका फीडबैक भी दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस चैनल ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।